हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ कैबेज राइस, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका फ्लेवर आपको भी बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैन को गर्म कर लेना है हमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। आप चाहें तो बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटा प्याज, कड़ी पत्ता। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है हरा मसाला। यहाँ पे मैंने ग्राइंड किया है अदरक, मिर्ची, लहसुन और हरे धनिए का पेस्ट। अब ऐड करना है 1 छोटा कटा टमाटर। एक मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, लाल मिर्च 1/3 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच पानी। अब इसके बाद हमें ऐड करना है कटे हुए पत्ता गोभी। अब मैं इसे पकने दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और पत्ता गोभी पक चुका है, इसका कच्चापन निकल गया है। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है पत्ता गोभी को। अब हम इसमें डालेंगे पके हुए चावल। यहाँ पे मैंने पहले से चावल को पका के लिया था। मैंने यहाँ पे बासमती राइस का यूज़ किया है, आपके घर में जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और कैबेज राइस हमारा अब तैयार हो गया है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करें। तो लीजिए, गर्मा गर्म पत्ता गोभी के चावल बनके तैयार हैं, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही झटपट बन जाता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।